क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता, टोली चौकी, आदित्यनगर कॉलोनी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है गोशा महल के राउडी शीटर एमएलए राजा सिंह को लेकर, क्योंकि राजा सिंह को अरेस्ट किया गया, उनको पीडीएक डालकर जेल को भेजा गया। फिर बाद उसके जो है उनके चाहने वाले 3 तारीख के दिन बंद मनाने वाले हैं शहर में, क्योंकि श्री राम युवा सेना वाले जो है 3 तारीख के दिन बंद बनाएंगे, क्योंकि राजा सिंह को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, इस तरह से मानना है ये लोग का। खैर बहरहाल, तो कानून तो कानून है, कानून को बाखूबी मालूम है कब किसको कहाँ और कैसे अरेस्ट करना है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं गोशा महल से। आज जो इस भाग्यनगर के अंदर होने जा रहा है, सबसे पहली गलती यहाँ की सरकार की है, जो मुनव्वर फारूकी के ऊपर 16 राज्यों के अंदर कार्यक्रम करने का मना था। क्या जरूरत थी उनको भाग्यनगर का वातावरण खराब करने के लिए? ये दोनों परिवारवाद पार्टी टीआरएस और एमआईएम, इन्होंने दोनों ने मिलकर आज भाग्यनगर का वातावरण खराब किया गया। अगर किसी के दबाव में कार्य नहीं कर रही है, अभी राजा भाई ने एक कहानी बताई थी, किसी धर्म किसी मजहब पे कोई प्रहार नहीं किया था, उस कहानी के तहत में हमारी न्याय व्यवस्था ने, न्यायपालिका ने उनको जमानत दी। उसके बाद में जब आप पुराने शहर के अंदर एक विशेष वर्ग को जब इकट्ठे हुए, तो यहाँ का डीसीपी, उन्होंने क्या कहा कि आप फिक्र मत करो, कल न कल कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। उसके माध्यम से ये सरकार ने किसी से दबने के बाद में, किसी के दबाव में आने के बाद में वो कार्य किया। और राजा भाई के ऊपर जो पुराने केस, अरे पुराने केस अगर डालना था तो अभी डालने की क्या जरूरत थी? जब केस हुए जब डाल सकते थे, अभी अगर डाला इसका मतलब पक्का है कि उनको तुष्टिकरण की राजनीति करना है, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदुत्व विचारधाराओं को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के तहत ये कार्य कर रही है ये सरकार। ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? इसलिए पूरे व्यापारी बंधुओं ने, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, उन्होंने सामने से कहा कि हमें किसी न किसी रूप में एक हिंदुत्व विचारधारा को हम दबने नहीं देंगे और हम उनका साथ देंगे और बहुत प्रेम भावपूर्वक पूरी मार्केट को बंद करेंगे। कोई किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया और ना किसी एसोसिएशन ने हमारे को कहा कि हम कोई जोर जबरदस्ती करेंगे। खुशी से जो जितना बंद करना चाह रहे हैं अपना भाव के आधार पर करेंगे। परंतु मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप इस आवाज़ को बुलंद करो। ये जितने इस भारत के अंदर ये परिवारवाद पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टिकरण की राजनीति, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पैदा हुई है। अगर मेरे भारत की जागरूक जनता ने इनको सबक नहीं सिखाया तो हमारा भारत का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। आपने कहा कि विधायक ने कुछ कहानी सुनाई, उसका उद्देश्य क्या था? नहीं, कहानी का उद्देश्य नहीं, अभी मेरी बात सुनो, किसी कहानी का उद्देश्य क्या बताए? अब कहानी कोई बता देता को उद्देश्य के लिए, कहानियां कई प्रकार की बनती है, कहानियों का कोई उद्देश्य के लिए नहीं है। आपने एक दिन का बंद युवा सेना की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है और कितने संस्थाएं आपको अभी समर्थन देने हैं? इसका उद्देश्य यही है, हमारे विधायक श्री राजा सिंह जी को जो इल्लीगल तरीके से, जो बर्बरता के साथ, जो कहते हैं ना एक इंसान पे न्याय पर अन्याय की जीत या अन्याय पर न्याय की जीत वाला सब्जेक्ट पता ही नहीं है, और कानून ने जो तेलंगाना के सरकार की जी कानून व्यवस्था है पता नहीं कहाँ चरमरा गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी विडंबना यही हो रही है, जो इंसान एक जनता का प्रतिनिधि है, जिन्होंने एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हुए तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना सरकार के मिनिस्टर्स को, सभी को मुनव्वर फारूकी जैसे इंसान को यहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन अपने गुरूर में और अपने अंदर के ईगो में आकर उस छोटे से कॉमेडियन के वास्ते उन्होंने पूरे शहर के माहौल को ख़राब कर दिया। आज हमारे विधायक श्री राजा सिंह जी जेल में बंद है, लेकिन 3 तारीख के दिन
श्रीराम युवा सेना के जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने इस बंद कॉल को बुलाने का उद्देश्य यही है, हमें हमारे परिवार वालों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे समाज ने, हमारी संस्थान ने यही सिखाया है, प्रोटेस्ट करने का हर एक तरीका होता है। तो उसी संदर्भ में हम एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे भाई के समर्थन में कर रहे हैं, हमारे विधायक के समर्थन में कर रहे हैं, जहां पर हमें गोशामेल विधानसभा के 55 एसोसिएशन समर्थन में है, चाहे वो बाजार के हो, चाहे वो छोटा ठेले वाला हो, मिठाई की दुकान हो, चाहे वो ढाबे वाले हो, सभी कपड़ा व्यापारी हो, सभी वर्ग हमारे साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दे रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करने का कारण एक ही है, टीआरएस एवं एमआईएम जैसी पार्टियों का एक तरफा कानून बताना और एक तरफा कार्रवाई कर कर एक निर्दोष विधायक के और गोशामेल विधायक की जितनी भी विधायकी है वहां की जनता समझ नहीं पा रही है कि टीआरएस गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, उसको देखते हुए ये बंद कॉल बुलाया गया है। इसमें क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के आप लोगों का समर्थन दे रहे? देखिए जैसे कि बीजेपी, जी मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और श्रीराम युवा सेना जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजा सिंह जी है, कहीं ऐसे भारतीय आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियसिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाबशुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी आदित्यनगर कॉलोनी हैदराबाद, कस्टमर केयर 7207430058।